Hello, hello, and welcome back to the Civil Engineering with MSA, improve your knowledge for your bright future. डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे जी, अभी वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स वन बाई वन करके सॉल्व कर रहे थे। आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे एक बट वेल्ड का क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा सवाल है, और इसको सॉल्व करने के बाद लगभग हमारा वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है वो हम लोग कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि काम क्या बन सकता है। क्वेश्चन सामने आया तो फंडा वही हमारा क्या है भाई, कि क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन से जब बात करेंगे तो क्वेश्चन हमको कुछ बातें कहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो प्लेट है जिसका थिकनेस कितना है जी, 16 mm एंड 14 mm, यानी 16 mm और 14 mm है, रिक्वायर्ड टू बी ज्वाइंट बाई अ बट वेल्ड। देखिए, पहले बता दिया, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो सारे के सारे फिलेट वेल्ड के थे। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो किसके होंगे, बट वेल्ड के सवाल होंगे। तो देखिए, कहता क्या है कि बट वेल्ड से उसको जोड़ दिया गया है। प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड टेंसाइल लोड, कितना है भाई, 400 kN। ठीक है, ये भी बहुत आसान सी बात है। द इफेक्टिव वेव लेंथ द वेल्ड लेंथ सॉरी द इफेक्टिव वेल्ड का लेंथ जो है हम लोगों को कितना दे रखा है जी, इज लिमिटेड टू 180 mm, ये भी बता दिया। मतलब काफी सारी चीजें बता दी गई है ना। चेक वेदर द ज्वाइंट इज सेफ इन फॉलोइंग केस। देखिए, दो केस में आपको चेक करना है। ठीक है, क्या क्या चेक करना है आपको, सिंगल भी बट वेल्ड इज प्रोवाइडेड और डबल भी बट वेल्ड इज प्रोवाइडेड, दोनों में आपको चेक करना है। आपको एफ ऑफ वाई की वैल्यू दे दी गई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू इसीलिए दे दी गई है क्योंकि यहां पर जब हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे बट वेल्ड के केस में, तब हम लोग एफ ऑफ यू नहीं यूज करके एफ ऑफ वाई यूज करेंगे, यानी यील्ड स्ट्रेस को यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम लोग जरा सा डायग्राम को बुला ले तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, दो तरह के डायग्राम है आपके पास। जो जो क्वेश्चन ने कहा है वो डायग्राम आपको मैंने बना करके यहां पर दिया कि 16 mm है और 14 mm है। इसको देखिए, पहला बात तो क्या किया गया, सिंगल भी, ये पहला वाला जो डायग्राम बनाया गया है वो कैसा है, सिंगल भी, और ये दूसरा वाला जो डायग्राम बनाया गया है ये है क्या, डबल भी। देखिए, सिंगल भी में हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, वो होगा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का। तो जब हम लोग लेक्चर पहले लेक्चर में थे वेल्डेड कनेक्शन के, शायद लेक्चर नंबर 11 है, तो मैं उसका लिंक भी जो है वो आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर देखिएगा। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के टाइम पे हम लोगों ने इसके इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के फॉर्मूला को भी डिस्कस किया था, वही यूज करना है, और इसमें कोई ऐसी बात रह नहीं जाती है। बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए, अभी इसको बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कर लूं खुद को गायब। अब देखिए, वन बाय वन जो चीजें दी हुई है ना, आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को वहां पर बस सजाते चले जाना है। आप देखिएगा कि आपको आंसर जो है वो सामने खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, और वो पहले केस से ही स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ कहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ए नंबर दे दूँ, क्योंकि इसने भी ए नंबर दिया है ना, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। ए नंबर में क्या कहा गया है हम लोगों को, देखिए कि जब आपका सिंगल भी बट वेल्ड किया गया है, तब यहाँ पर आपको पहला चीज क्या निकालना पड़ेगा जी, यहाँ पर आपको पहला चीज निकालना पड़ेगा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब अगर फुल पेनिट्रेशन नहीं होगा, अगर फुल पेनिट्रेशन किसमें, देखिए डबल भी के केस में क्या है, फुल पेनिट्रेशन है, लेकिन क्या यहां पर आप जरा देखिए, ये जो अलग कलर से मैंने वेल्डिंग को दिखाया है, ये क्या फुल पेनिट्रेशन है, फुल पेनिट्रेशन का तो केस नहीं है। तब यहां पर आपको जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस लेना पड़ेगा, यानी मैं सिंपल अगर इसको टी लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, वो कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ क्या चीज जी, थिनर मेंबर। अरे मान जा, थिनर मेंबर, ठीक है जी। अब देखिए जरा यहां पर वैल्यूज को जरा सा रख के देख लेते हैं कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हमारे पास कितना आएगा, 5/8 इंटू थिनर मेंबर क्या है, यहां पर जरा चेक कीजिए तो ये क्या है, 16 mm है, और ये कितना है, 14 mm है। तो दोनों में थिन कौन सा है भाई, तो 14 mm, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है ना। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 8.75 mm। देखिए, एक काम आपने किया, जरा सा पेज बदलते हैं, दूसरा काम करते हैं। अच्छा, यहां पर गामा ऑफ MW की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कहा है हमको तो नहीं दिख रहा है, अगर कुछ भी नहीं कहा तो शॉप वेल्डिंग मान लेते हैं। अगर शॉप वेल्डिंग मान लेंगे तो टेबल नंबर 5 और पेज नंबर 30 में हम लोगों को शॉप वेल्डिंग के केस में कितना बताया गया है, गामा MW की वैल्यू 1.25, तो आपको याद हो गया होगा ये सारा। अच्छा, अब और एक चीज जरा से देख ले हम, क्या इफेक्टिव लेंथ
लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा, एल से इसको दिखा दे, हाँ भाई दिखा देते हैं, क्या दिक्कत की बात है, 180 mm. ये 180 mm क्योंकि हमको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसने दे रखा है कि हमारे पास लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना है भाई, 180 mm, तो हम लोगों ने ले लिया, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है। अब जरा ये सारी चीजें आ गई है तो अब आप क्या निकाल सकते हो, सिंगल भी के केस में निकाल सकते हो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ठीक है। ये कहां पर मिलेगा आपको, क्लॉज नंबर 10.5.7.1.1 में मिलेगा, है ना, और पेज नंबर 79 में। ये देखिए बेसिक फार्मूला है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। जो बेसिक फार्मूला था इस क्लॉज में बताया गया था हम लोगों को, क्या बताया गया था, इन केस ऑफ फिलेट वेल्ड, लेकिन अभी हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, हम लोग यूज करने जा रहे हैं क्या, बट वेल्ड, ठीक है। बट वेल्ड के केस में हम लोग क्या करेंगे कि बट वेल्ड के केस में हम लोग जरा सा फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे, जहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ले रहे थे, उसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे, अब यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए टी डी डब्ल्यू, ठीक है, एफ ऑफ वाई, फॉर्मूले को जरा सा स्लाइटली चेंज कर दिया हम लोग ना, गामा एम डब्ल्यू, जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूले से क्या हम लोगों ने रिप्लेस किया है जी, एफ यू अंडर रूट थ्री को रिप्लेस कर दिया और उसके जगह में क्या लिख दिया हम लोगों ने, एफ ऑफ वाई, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है यहाँ पर, है ना, इंटू एल यानी लेंथ और इंटू थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। अब जरा सा इसको सॉल्व करते हैं, सारे वैल्यूज को पहले इस पर पटक देते हैं तो वहां से ये सॉल्व हो ही जाएगा। 250, एफ ऑफ वाई की वैल्यू 250 क्यों ली, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है। अगर ऐसे भी आप देखिएगा कि अगर आपको स्टील की ग्रेड दी गई है 410, तो उसमें क्या होगा, एफ ऑफ वाई की वैल्यू 250 होती है, ठीक है। ये तो जरा बेसिक सी बात है, हम लोग को ऐसे भी ध्यान होगा, और अगर ध्यान नहीं है तो हम लोग जरा सा ध्यान रख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे जी, एल की वैल्यू को रखेंगे 180, अच्छा उसके बाद हमारे पास अभी हम लोगों ने निकाला थ्रॉट थिकनेस 8.75, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 315000 न्यूटन। अब आप कहिएगा इससे तो मजा आया नहीं, मजा कब आएगा जब ये किलो न्यूटन हो, तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि थ्री डिजिट के बाद में डेसिमल लगाएंगे ना जी। तो देखिए किलो न्यूटन ये हम लोगों ने निकाल दिया इन केस ऑफ सिंगल भी बट जॉइंट। लेकिन जरा से इस वैल्यू को आप ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपके एक बात समझ में आएगी कि आपको जो दिया हुआ यहां पर फैक्टर्ड फोर्स है ना, जो टेंसाइल फोर्स है, देखिए चूंकि यहां पर टेंसाइल फोर्स यूज किया गया है इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रेंथ को भी टेंशन में ही चेक किया है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 400 किलो न्यूटन। यहां से एक बात और आपको समझ में आ जाएगी, चूंकि 315 किलो न्यूटन जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है ये कम है, किससे कम है जी, 400 किलो न्यूटन से कम है, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट देना होगा और ये स्टेटमेंट देखने के बाद एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाता है कि आपने कुछ कंक्लूजन निकाला है। आपको स्टेटमेंट ये देना होगा कि सिंगल भी बट वेल्ड प्रोवाइडेड, जरा सा मैं लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको, इज अनसेफ, ठीक है। ये मैंने लिखा है, थोड़ा समझ में आ जाएगा उम्मीद करता हूं, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है। देखिए इसमें क्या हुआ कि आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो वैल्यू कम है, जो फोर्स उस पर लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई कि अगर आप सिंगल भी बट वेल्ड प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका बहुत आसानी से टूट जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। सेफ कब होगा, तो सेफ करने के लिए देखिए जो केस बी है हमारा उसको भी जरा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। केस बी दे रखा ना, केस बी में क्या कहा है इसने कि आपने क्या यूज करना है, आपने यूज करना है भाई डबल, देखिए जरा यहां पर डबल भी बट जॉइंट, देखिए दोनों साइड में क्या किया गया है, यहां पर दूसरे वाला डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों साइड से वेल्डिंग किया गया है ना, यानी पेनिट्रेशन क्या यहां पर कैसा है, पेनिट्रेशन यहां पर आप कह सकते हो कि फुल है, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकालने के लिए, है ना। फुल पेनिट्रेशन के केस में तो कोई परेशानी नहीं अपने पास, आप लिखिए यहां पर बहुत आसानी से काम हो जाएगा कि यहां पर चूंकि फुल पेनिट्रेशन हो चुका है तो होगा क्या कि फॉर द केस ऑफ डबल भी बट वेल्ड
क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट पेनिट्रेशन, सॉरी पेनिट्रेशन होगा ना, ये लिखने में कभी कभी हो जाता है, पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड कैन बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये आपने जो बात लिखा इससे हो क्या जाएगा, इससे बात ये आपकी बन जाएगी कि अब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो क्या, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। देखिए मैं लिख लिख के इसीलिए बताता हूं ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ टी से दिखा दे क्या, यहां पर टी अगर मैं लिखूं तो किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। भाई थ्रॉट थिकनेस कितना बनेगा आपका, जितना की थिकनेस ऑफ दी थिनर मेंबर होगा उतना ही बन जाएगा। यानी ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में बोलिएगा, बहुत बड़ी सी बात, तो फुल पेनिट्रेशन के केस में बात होता है कि 1 into थिकनेस ऑफ दी थिनर मेंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, और इतना बड़ा झमेला नहीं करना है आपको, तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। जितना बात सिंपल होना डीएसएस में उतना बात मजेदार होगा, क्योंकि डीएसएस अपने आप में ही थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी परेशान करता है। अब आप क्या निकाल सकते हो जी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड भी आपको दे ही रखा है, कितना है जी, 180 mm। अब आप निकाल सकते हो क्या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा, मैं TW लिख देता हूं, कोई दिक्कत, टेंशन में ही चेक कर रहा ना, इसलिए टी लिखा है, एफ ऑफ वाई यील्ड स्ट्रेस गामा ऑफ MW इंटू एल इंटू टी, यही तो था फॉर्मूला हमारे पास ना। अब जरा सा आप इसको पटकिए प्यार से, तो कितना हो जाएगा, 250, अभी क्वेश्चन में भी दिया हुआ था ये बात, यहां लिख दिया मैंने, 1.25 इंटू 180 इंटू 40, जो कि आपने अभी भी निकाला है ना, थिकनेस ऑफ दी थिनर मेंबर कितना है अपने पास में, 14 mm, तो थ्रॉट थिकनेस उतना ही हो जाएगा। अब इसको जरा सा आप सॉल्व जब कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू जो है निकल कर आएगी, TDW इन केस ऑफ क्या, डबल भी बट जॉइंट 504000 न्यूटन। अब आप कहिएगा मजा नहीं आया क्योंकि ये किलो न्यूटन में नहीं है, तो आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, प्यार से लिखते ना, 504 किलो न्यूटन। अब जरा आप इस बात को ध्यान से देखिए कि 504 इज किलो न्यूटन इज ग्रेटर देन द 400 किलो न्यूटन। ये 400 किलोमीटर क्या है, न्यूटन क्या है, जितना फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है ना, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब ये कंडीशन बन रहा है कि आपका स्ट्रेंथ जो है जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ग्रेटर देन द फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि डबल भी बट वेल्ड इज सेफ। ये देखिए ये काम हुआ अपना, कि आपने जो स्ट्रेंथ निकाला वो ज्यादा है जो फोर्स अप्लाई हो रहा था उससे। इसका मतलब क्या है कि आपको डबल भी बट वेल्ड अगर आप करते तो सेफ है, यानी सिंगल वाला क्या है, सेफ नहीं है, इसलिए आप सिंगल वाला अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप खुद को जरा सा ले आए, देखिए ये सवाल जितना टफ दिखता है ना, उतना टफ है नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल होता है, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मजा भी आता है, और चांसेस रहते हैं कि इस तरह के छोटे सवाल बहुत जगह पूछ लिए जाए। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसको नोट्स कीजिए और बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिए, स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अपने को नहीं समझ में आती है ना, जब स्किप कर देते हैं हम लोग, तो स्किप करके ना देखें आप इसको, जो है बहुत ध्यान से देखें। और क्या कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है ना, वहां पर आप कमेंट कीजिए। आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।